हे गाइस, शांतनु हियर। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने मेरे चैनल पे बहुत सारे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ का वीडियो देखे होंगे, मैं बहुत सारे छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का अनबॉक्सिंग किया हूँ, उसके साथ मिड रेंज का बहुत सारे स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग रिव्यू वाला वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सबसे बड़ा अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ DJI का मैविक मिनी 2 ड्रोन का, जिसका प्राइस की अगर हम बात करें तो 60 से 65,000 इसका प्राइस है। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों साइड में ही इसी प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो स्पेशली ये जो वीडियो होने वाला है, ये अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पैकेट को मैंने 10 दिन पहले ही फाड़ दिया है और मैंने ड्रोन को उड़ाया है, उसके साथ सेटअप वगैरह भी किया था, उसके साथ टेस्टिंग किया है, ठीक है। सो वीडियो में आपको दो पार्ट मिलेगा। एक होगा घर के अंदर, जिसमें मैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है वो सब कुछ दिखाऊंगा, उसके साथ रिव्यू देने वाला हूँ, 10 days आफ्टर यूजिंग रिव्यू मैं देने वाला हूँ। उसके साथ घर के बाहर जाके मैं ड्रोन को सेटअप कैसे करते हैं और उसके साथ ड्रोन को कैसे उड़ाया जाता है वो भी सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर ऊपर जो पॉलीपेपर रहता है वो नहीं है, ठीक है, मतलब सील नहीं है बॉक्स। तो खरीदते टाइम ये आप देख लेना कि सील है या नहीं है, ठीक है। तो बॉक्स ओपन करते ही हम लोगों को ड्रोन का एक बैग मिल जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर का। तो हम लोग पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अभी बॉक्स के अंदर उतना कुछ नहीं है, बॉक्स को हम लोग साइड में रख देते हैं, ठीक है। बैग को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है, आपको भी दिखाते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से बैग को ओपन करते हैं तो हम लोगों को पहले यहाँ पे हमारा जो छोटा सा ड्रोन है वो मिल जाता है, ठीक है। अभी ये सील है, ड्रोन को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। उसके साथ यहाँ पे हम लोगों का RC मिल जाता है, वो भी हम यहाँ पे रखते हैं। उसके साथ यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे मिल जाता है एक टोटल यूज़र मैनुअल, ठीक है। और यहाँ पे बैग के अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चेन है, इसको खोल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी जैसे ही इसको खोलते हैं तो यहाँ पे कुछ टूल्स मिलता है ड्रोन को खोलने के लिए, या उसके साथ यहाँ पे दो जॉयस्टिक मिलता है अलग से, और यहाँ पे ड्रोन का दो चार विंग्स दिया गया है, ठीक है, और ये भी है। तो अभी हम लोग बैग को साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे जो भी विंग्स वगैरह है अलग से, ठीक है, टूल्स वगैरह है, सब कुछ हम लोग साइड में रख देते हैं, ये आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यूज़र मैनुअल का अगर हम खोलते हैं यहाँ से, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ कागज़ वगैरह दिया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ को हमारा ज़रूरत नहीं है, हम लोग साइड में रखते हैं। इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्जिंग केबल है, इसके साथ ड्रोन को अगर आप मतलब RC को कनेक्ट करना चाहते हैं फ़ोन से तो यहाँ पे iPhone के लिए दिया गया है ये। और इसके अंदर हम लोगों का तीन बैटरी मिल जाता है, ठीक है, ड्रोन के लिए ये बैटरी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं। अभी RC को खोलते हैं, ठीक है। तो कुछ दिखने में इस तरह का है। अभी ये चार्जिंग केबल है, ये iPhone के लिए है, ये सब कुछ हम लोग साइड में रखते हैं दोस्तों। सो ये RC को कैसे सेटअप करना है, या ड्रोन को कैसे उड़ाया जाता है, ड्रोन में बैटरी कैसे सेट करना है, RC के जॉयस्टिक कैसे सेट करना है, मोबाइल कैसे सेट कर सकते हैं RC के साथ, ये सब कुछ मैं बाहर जाके आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैविक मिनी 2 में जो कैमरा दिया गया है ये 4K कैमरा है, मतलब जो भी वीडियो वगैरह या फोटो वगैरह शूट होगा वो 4K से शूट होगा, ठीक है। हाँ, मुझे 4K से याद आया कि अगर आप 4K में फोटो शूट करना चाहते हैं, आपके घर में अगर कोई इवेंट चल रहा है जैसे कि वेडिंग बर्थडे जो भी चल रहा है, तो आप छायाछवि इंडिया को बुक कर सकते हैं, वो सब कुछ एकदम डिटेल्स में 4K में काम करते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं एंड बुक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाहर जाके ड्रोन को उड़ाते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और मेरे पास ये है एक बैग जो कि मैंने अलग से परचेज किया है, और
और इस बैग का प्राइस लगभग 1500 में आ जाता है। तो आप आपका ड्रोन के सेफ्टी के लिए ये खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ, मेरा ड्रोन है, उसके साथ बैटरी, मेरा मोबाइल, सब कुछ है यहाँ पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर वीडियो है छायाछवि इंडिया की तरफ से। तो छायाछवि इंडिया जो कि बेसिकली काम करते हैं इवेंट फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडल्स, ये सब कुछ करते हैं। तो अगर आप आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले आना चाहते हैं, या ऑनलाइन है आपके बिजनेस ऑलरेडी, लेकिन आप अगर आपका जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो अगर खुद से नहीं कट पा रहे हैं, तो इन लोगों से आप करा सकते हैं, इजिली करा सकते हैं। ये लोग कर देते हैं, बहुत ही छोटा पैकेज है। छायाछवि इंडिया जो कि अभी पूरे वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ सब चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी ड्रोन को कैसे सेटअप करना है वो दिखा देते हैं। ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली ड्रोन जो है ये मतलब इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पे आपको पहले खोलना है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको खोल देते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिकली आप इसको ऐसे ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप खोल सकते हैं। एंड उसके बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे कैमरा का जो प्रोटेक्टर है वो भी आप ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इजीली खोल सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो बैटरी दिया गया है वो बैटरी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हम लोग इसके ऐसे लगाएंगे, ठीक है, गौर से देखना है, कुछ इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी बैटरी लग चुका है, ठीक है। अभी ड्रोन में आपको कुछ नहीं करना है, ड्रोन जो है सेटअप हो चुका है, अभी आपको आरसी को सेटअप करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आरसी कुछ इस तरह का आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल होल्डर मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे मोबाइल लगा सकते हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे कि मोबाइल कैसे लगाना है। और यहाँ पे आपको जो है केबल मिलेगा, ठीक है, आईफोन के लिए अलग मिलता है। यहाँ पे मेरा जो है टाइप सी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल को लगा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी केबल को लगाना है, ठीक है। केबल के लगाने के बाद आपको कुछ यहाँ पे दो जॉयस्टिक आपको दिया जाता है, सिंपली इसको ऐसे आपको निकालना पड़ेगा और कुछ इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक जॉयस्टिक है, तो भी आपको ऐसे निकालना पड़ेगा एंड इसे भी सेम तरीके से लगाना पड़ेगा, ओके। अभी जॉयस्टिक लग चुका है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ऑन ऑफ का बटन आपको मिल रहा है, इस ऑन ऑफ का बटन को अगर एक बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है बैटरी इंडिकेटर है, आपको दिखेगा कि आपके ड्रोन मतलब आरसी में कितना बैटरी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसको दो सेकंड के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो जो है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो एक साउंड होगा, आप देख सकते हैं, एक साउंड अगर होगा तो आप मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्रोन पे एक स्विच है जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे एक स्विच है। जैसे ही आप इसको मतलब ऑन करेंगे तो एक बार दबाना है, उसके बाद दो सेकंड के लिए दबाना है, ठीक है। जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे जो मतलब पंखा वगैरह है एक बार हिल जाएगा, उसके साथ कैमरा जो है वो भी थोड़ा मूवमेंट होगा, उसके बाद यहाँ पे लाइट जो है वो तो चलेगा, आप देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे जॉयस्टिक का जो काम है वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये ऑन हो चुका है, उसके बाद हाँ और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको DJI Fly का जो ऐप्स है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, इसके वेबसाइट से, ठीक है। तो जैसे ही आप ड्रोन को ऑन करेंगे उसके साथ यहाँ पे RC को ऑन करेंगे तो DJI Fly जो है इस ऐप्स को ओपन करने से ये जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा भी ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जॉयस्टिक का जो काम है वो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये ही मतलब मैटर करता है, ठीक है। तो पहले जो है ये जो राइट वाला जॉयस्टिक है, राइट वाला जॉयस्टिक में अगर आप इसको मतलब ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ड्रोन जो है आगे तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जॉयस्टिक को डाउन करेंगे तो ड्रोन पीछे तरफ आएगा। उसके बाद राइट वाला जो जॉयस्टिक है उसके अगर आप राइट में ले जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, तो ड्रोन स्लाइड होगा, मतलब राइट तरफ स्लाइड होगा। उसके बाद अगर आप राइट वाला जॉयस्टिक को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो ड्रोन ऐसे करके लेफ्ट की तरफ स्लाइड होगा। उसके बाद
यहाँ पे जो लेफ्ट वाला जॉयस्टिक है उसको देख लीजिए, अगर आप लेफ्ट वाला जॉयस्टिक को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ड्रोन मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है, आसमान की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट वाला जॉयस्टिक को मतलब ये वाला जॉयस्टिक को अगर आप नीचे की तरफ ले आएंगे डाउन की तरफ तो ड्रोन ग्राउंड की तरफ आएगा, नीचे नमेगा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर आप लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो ड्रोन जो है पूरा लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा, ठीक है। अगर मतलब आप सीधे जा रहे हो और लेफ्ट की तरफ फोटो वगैरह खींचना है तो आप इसको लेफ्ट करना तो ड्रोन पूरा लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा। उसके बाद अगर राइट की तरफ घूमेंगे तो राइट वाला लेफ्ट वाला जॉयस्टिक को राइट की तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राइट जॉयस्टिक और लेफ्ट जॉयस्टिक का जो काम है ये ध्यान से देख लेना, अगर आपको पता नहीं चला है तो वीडियो को थोड़ा आगे जाइए और एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और दो चार बटन है, उसका भी क्या काम है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक बटन मिला है जिसके ऊपर यहाँ पे सिनेमेटिक नॉर्मल एंड स्पोर्ट लिखा है, ठीक है। तो अगर आप सिनेमेटिक मोड पे ड्रोन को उड़ाना चाहते हैं तो सिनेमेटिक पे मतलब एकदम लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, अगर आप इसको नॉर्मल मोड पे उड़ाना चाहते हैं तो इसको मिडिल पे लाना पड़ेगा, एंड स्पोर्ट मोड पे अगर आप उड़ाना चाहते हैं ड्रोन को तो आपको एकदम से राइट की तरफ ले आना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट मोड मतलब बहुत ही फास्ट जाएगा ड्रोन, ठीक है। तो ये स्विच तो हो गया, उसके बाद ये वाला जो स्विच है ये रिटर्न टू होम का स्विच है, ठीक है। मतलब आप जहाँ से ड्रोन को फ्लाई किए थे वहाँ मतलब ये बटन को अगर आप दबा देते हो तो ड्रोन लगभग ऑलमोस्ट उस जगह पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ड्रोन काम का बटन है, लेकिन अगर आपका जो एरिया है सरफेस एरिया अगर होगा अच्छा खासा एरिया होगा तभी आप इस बटन का यूज़ करना, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि मतलब आसपास में अगर पेड़ वगैरह हो या कुछ भी हो ना तो ड्रोन वहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया है तो इस बटन को आप यूज़ करना, जहाँ से ड्रोन फ्लाई हुआ था ठीक वहीं पे ऑलमोस्ट उस जगह पे आके रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वीडियो का एक मतलब स्विच दिया गया है, इससे आप ड्रोन से फोटो वगैरह खींच सकते हैं, उसके बाद मोबाइल से भी आप खींच सकते हैं लेकिन फोटो वगैरह खींच सकते हैं, उसके साथ वीडियो भी कर सकते हैं। एंड ये जो बटन है ठीक है, इस बटन से आप मतलब ड्रोन का जो कैमरा है एकदम ऊपर की तरफ कर सकते हैं, उसके तरफ उसके साथ नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, उसके बाद अभी हम लोग ड्रोन को उड़ाएंगे और देखेंगे ठीक है कि किस तरह से उड़ाए, ठीक है। ड्रोन को उड़ाने के लिए जॉयस्टिक को आपको दोनों की तरफ मतलब ऐसे करके ऐसे करना होगा तो ड्रोन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्रोन ऑन हो चुका है, अभी ड्रोन को अगर थोड़ा ऊपर उड़ाना चाहते हैं तो